हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जो ईपीएफओ की वेबसाइट है उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिससे कि गाइस अगर आप अपना पीएफ पासबुक चेक करना चाहें तो बहुत ज़्यादा आपको कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। तो गाइस इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना पीएफ पासबुक कैसे चेक कर सकते हैं और उसमें सारी हिस्ट्री, पासबुक हिस्ट्री वगैरह कैसे देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अगर गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए गाइस वीडियो को सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप में एक कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे ही आप कोई भी एक इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, देन आपको गाइस सर्च बार में जाना है और वहाँ पर टाइप करना है पीएफ ऑनलाइन। जैसे ही आप पीएफ ऑनलाइन टाइप कर देते हैं, देन उसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो फर्स्ट वाली लिंक आएगी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है गाइस, अगर इस पेज को थोड़ा सा आप जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको ई पासबुक का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। आपको अपना यूएन नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। और गाइस कभी कभी क्या होता है कि जो कैप्चर दिया होता है वो कैप्चर आपके फ़ोन में पूरा नहीं दिखाई देता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि जो आपका फ़ोन होता है तो उसमें गाइस आप ऊपर कॉर्नर के में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखाई देगा और यहाँ पे आपके फ़ोन में डेस्कटॉप साइड लगा होता है। फ़ोन में जब डेस्कटॉप फील्ड लगा होता है तो कैप्चर जो होता है वो पूरा नहीं दिखाई देता। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, 3 डॉट पे आना है और आपको डेस्कटॉप साइट से क्लिक करके डेस्कटॉप साइट जो ऑन करते हैं उसे ऑफ कर देना है। देन उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ पे गाइस आपको अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डाल देना है। देन उसके बाद आपको कैप्चर डालना है। कैप्चर डालने के बाद आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है गाइस। तो जैसे ही उस पे क्लिक करते हैं गाइस साइन इन वाले ऑप्शन पे, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाती है। पहले यह ऑप्शन नहीं था, यानी कि आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं जाती थी, लेकिन अब गाइस आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगी तभी आपका जो पीएफ पासबुक है वो ओपन होगा। और इसकी जो टाइमिंग होती है गाइस वो होती है 1 मिनट की। तो आपको गाइस 1 मिनट के अंदर ओटीपी को फिलअप करना होता है। तो जैसे ही ओटीपी फिल कर देते हैं उसके बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो आपका पीएफ पासबुक है वो ओपन हो जाता है। अब आपको गाइस यहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो हो जाएंगी, जो आपका टोटल अवेलेबल बैलेंस होगा वो शो हो जाएगा। उसके बाद गाइस जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको 3 लकीर दिखाई देंगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोफाइल, पासबुक, क्लेम्स, सर्विस हिस्ट्री, कैलकुलेटर्स और लॉगआउट और आपका जो नेम होगा वो शो हो जाएगा। अब आपको गाइस पासबुक चेक करना है तो पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट मेंबर आईडी आता है, यानी कि गाइस जब आप एक से अधिक कंपनियों में जॉब करे होंगे तो यहाँ पे आपको कई मेंबर आईडी शो होंगी। तो आप गाइस जिस मेंबर आईडी का अपना पासबुक चेक करना चाहते हैं उस मेंबर आईडी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि गाइस मैंने दूसरी मेंबर आईडी को सिलेक्ट कर लिया और इसमें जो मेरा अवेलेबल बैलेंस है वो सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाता है, लेकिन जो करंट बैलेंस है वो 0 है। यानी कि गाइस क्या है कि मैंने इस मेंबर आईडी में से, यानी कि इस पीएफ आईडी में से मैंने अपना पूरा पैसा निकाल लिया। तो यहाँ पे सारी आईडी आपकी शो हो जाएगी, जिस आईडी का आप अपना पासबुक चेक करना चाहें वो चेक कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर आपको क्लेम्स का भी ऑप्शन दे दिया गया है। तो गाइस यहाँ पर आप जितने भी क्लेम्स किए होंगे वो शो हो जाएंगे। जैसे कि मैंने टोटल 9 क्लेम्स किया है और मैंने जो अभी तक पेमेंट निकाल चुका हूँ वो 18,255 रुपये निकाल चुका हूँ। और यहाँ पे जितनी क्लेम आपके रिजेक्ट हुई होंगी वो भी दिखाई दी जाएगी और जो पेंडिंग होगी वो भी दिखाई देगी गाइस। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जितने दिन आप काम किए होंगे जो आपकी सर्विस हिस्ट्री होगी वो सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। देन गाइस यहाँ पे आपको कैलकुलेटर्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपका गाइस जो ईपीएफ कैलकुलेटर है
यहाँ पे गाइस आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाया जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि आपका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है। और गाइस यहाँ पे आपका सारा कुछ बेसिक मंथली वगैरह वगैरह सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। कि अब पासबुक चेक करने का प्रोसेस है अब यही है, यानी कि इससे पहले जो आप अपना पीएफ पासबुक चेक करते थे तो उसमें कोई ओटीपी वगैरह नहीं जाती थी, लेकिन वेबसाइट में अपडेट कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।